गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास का पहला दिन है। इस क्लास के अंदर, पहली क्लास के अंदर आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। सिलेबस के बारे में कितने आपके टॉपिक्स हैं, इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, उन टॉपिक्स के बारे में हम अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सेकेंड सेमेस्टर है आपका, तो सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से आप प्रमोट होकर सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हो। तो अपना कोर्स का कोड क्या है, कोर्स का टाइटल क्या है, और कोर्स का जो क्रेडिट होल्स है, वो कोर्स अपना जो है वो कितने क्रेडिट होल्स का है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन आफ्टर अपने वन बाई वन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अपने सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करेंगे कि अपने अंदर टाइटल क्या है, ये कोर्स कोड क्या है। तो अपने कोर्स कोड क्या है, एंटो 121। क्या है कोर्स कोड, एंटो 121। इसका मतलब आपको फर्स्ट ईयर में भी शायद फर्स्ट ईयर की जो क्लासें हुई थी आपकी, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम की क्लासें हुई थी, उसमें भी आपको डिटेल से जिनकी भी जो जिस का भी कोर्स लगा था उन्होंने आपको बताया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, कोर्स कोड का मतलब क्या होता है, कोर्स टाइटल कौन सा होता है और क्रेडिट होल्ड कौन सा होता है, इनके बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर चर्चा की होगी। और मैं आज पुनः बता रहा हूँ आपको कि इनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी जैसे कि आपका प्रैक्टिकल लेने एक्सटर्नल आया बाहर से, तो पहला पॉइंट उसका ये होता है या पहला क्वेश्चन उसका वही होता है कि आपका कोर्स कोड क्या है, या आपका कोर्स टाइटल क्या है, या आपका जो क्रेडिट होर्स है, जो कोर्स है वो कितने क्रेडिट होर्स का है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो एंटो 121 का मीन्स है यहाँ, ये आपका क्या है, कोर्स कोड है। 121 का यहाँ मतलब है, वन का मतलब हो गया आपका फर्स्ट ईयर, वन से जो पहला वन है उसका मीन्स हो गया आपका फर्स्ट ईयर से है, ठीक है ना। किससे अर्थ है इसका मतलब है, पहला जो वन है उसका हुआ है फर्स्ट ईयर। जो इसमें सेकंड है, सेकंड का मतलब है यहां आपके सेकंड सेम से, सेकंड सेमेस्टर से, किससे मतलब है सेकंड का, यहां आपके सेकंड सेमेस्टर से। और देन उसके बाद में जो आपका फर्स्ट है वो उसका आपका फर्स्ट कोर्स है, कौन सा है आपका, यह आपका फर्स्ट कोर्स है ना, इस सब्जेक्ट का आपका फर्स्ट कोर्स है, ठीक है। यानी कि मैं बता रहा हूँ एंटो 121 का मीन्स है, एंटो क्या आपका कोर्स है उसका क्या है कोड है 121। वन का मतलब है आपका फर्स्ट ईयर से है, ठीक है ना, किससे मतलब है फर्स्ट ईयर से। देन सेकंड का यहाँ मतलब है, टू का मतलब है, यहाँ टू का मतलब है आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, किससे हैं आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, ठीक है ना। देन फिर वन का मतलब है अब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट कोर्स है ना, कौन सा है फर्स्ट ईयर का, इसमें फर्स्ट कोर्स है फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम, सेकंड सेम का फर्स्ट कोर्स, ठीक है। यह बात आपकी डेट इज क्लियर, कोर्स कंटेंट का जो कोर्स कोड है ये बात आपकी क्लियर होगी, डेट इज क्लियर, ठीक है ना भाई। एंटो 121 का मतलब है फर्स्ट ईयर का सेकंड सेम, सेकंड सेम का फर्स्ट कोर्स, यहाँ तक आपने दैट इज क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद में बात आती है कोर्स टाइटल की, कोर्स टाइटल जो ये आपका है, ये क्या है, कोर्स टाइटल है, क्या है यहाँ पे, कोर्स टाइटल है, इसे क्या बोलेंगे, कोर्स टाइटल, ये है कोर्स टाइटल। तो आपका कोर्स टाइटल क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। कई बार क्या है, कई बच्चे बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, तो फंडामेंटल्स है, इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है ना, पलरूर और सिंगलरूर का क्या फर्क पड़ता है ना। तो कई जगह सीधा आप बोलोगे फंडामेंटल, तो फंडामेंटल और फंडामेंटल्स में क्या है, दिन रात का फर्क है ना। तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी आपका जो कोर्स टाइटल है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। देन बात करते हैं हम क्रेडिट होर्स की, किसी बात करते हैं क्रेडिट होर्स की, आपका जो कोर्स है वो कितने क्रेडिट होर्स का है। तो आपका 3 = 2+1 है, इसका मतलब
सीधा सीधा सा है, 3 2 + 1, इसका सीधा सीधा है। दो क्लास आपकी क्या है, थ्योरी की है, किसकी है, थ्योरी की। देन वन क्लास क्या है आपकी, प्रैक्टिकल की है ना। तो सीधा सा है इसका है, जिसकी दो क्लास है वो कितने मार्क्स के होंगे, वो 200 मार्क्स के, और प्रैक्टिकल कितना का होगा आपका, 100 मार्क्स का, ठीक है ना। तो टोटल आपका कितने का हो गया, ये 300 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। ये बात क्लियर, करियर हॉर्स की बात भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अपना टॉपिक है जनरल आउटलाइन ऑफ द अबाउट द कोर्स, यानी जनरल आउटलाइन अबाउट द कोर्स, कोर्स के बारे में जनरल सी बातें बातचीत करेंगे भाई, कौन कौन से अपने इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, कौन से है ना, उनके बारे में डेमन किस किस जो भी टॉपिक्स है वो उनके बारे में कैसे अध्ययन करेंगे, उनके लिए कौन कौन सी बुक्स है, रेफरेंस बुक कौन कौन सी है, वो रेफरेंस बुक अपन प्रिफर करेंगे, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम वन बाई वन टॉपिक बताऊंगा मैं, बाकी ये सिलेबस में ये टॉपिक है और इन टॉपिक के बारे में कौन कौन सी जो बुक्स है वो अपने रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना। कई बार क्या उसे बुक्स के नाम पूछ लेते थे, एग्जाम होता है तो एग्जाम के अंदर क्या होते हैं कि कई बार एग्जाम अंदर जो पेपर सेट करते हैं वो कई बार बुक्स का नाम भी पूछते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी, भाई ये बुक्स किस राइटर के द्वारा लिखी गई है ना, इसका ऑथर कौन है, प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी, तो ये किसके द्वारा, सनोड जो ग्रास है उसके द्वारा लिखी गई है। तो इसको मैं डिप्ली में बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स हैं वो अपन इसके लिए रिकमेंड करें, ठीक है ना। तो टॉपिक्स हैं अपने इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में, पहला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, एंटोमोलॉजी का भारत में क्या इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया, भाई जो एंटोमोलॉजी है कीट विज्ञान है, कीट विज्ञान का भारत में क्या इतिहास है, उसके बारे में पहला टॉपिक अपना यह है, इसके बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से है, ये एंटोमोलॉजी कब आया है ना, एंटोमोलॉजी किस वर्ष लिया गया है, हैं एंटोमोलॉजी कौन कौन सी शाखाएँ हैं, एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, कब एंटोमोलॉजी का डिपार्टमेंट कब बना, और एंटोमोलॉजी की सारी जितनी भी अपना है इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके इतिहास के बारे में, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस, मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम, यानी कि मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं रिलेटेड, जो डोमिनेंसी को बताता है, डोमिनेंसी को बताता है किसके अंदर, एनिमल किंगडम में, यानी जंतु जगत में इंसेक्टा क्या है, इंसेक्टा एक क्लास है जो क्या है, डोमिनेंस बताती है भाई, प्रभुत्व, डोमिनेंस कहते हैं प्रभुत्व, यानी कोई भी फॉर एग्जाम्पल में देखो किसी के ऊपर कोई डोमिनेंस होता है ना, तो प्रभुत्व यानी इसका कितना डोमिनेंस है इंसेक्ट का, एनिमल जो एनिमल किंगडम है उसमें इसका कितना डोमिनेंस है, डोमिनेंस के क्या क्या रीजन्स हैं, इन रीजन्स के बारे में अपने डीपली से लेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखिए अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेस, जो आर्थ्रोपोडा का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, अप टू क्लासेस है ना, और जो फाइलम क्या होता है, संघ होता है ना, संघ के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसकी 7 क्लासें हैं, ओनिचोगोरा है, क्रस्टेशिया है, एनिलिडा है, आपका इंसेक्टा है, हैं चिप्लोपोडा है, डिप्लोपोडा है, ये क्या क्लासेज हैं, तो इन क्लासेज के बारे में डीपली जैसे ही अपना टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आएगा उस टॉपिक वाइज अपना उसको डीपली में लेंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य क्या है, किसके, इंसेक्ट क्यूटिकल के, उसकी संरचना क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, और किस किस में, इंसेक्ट क्यूटिकल और मल्टी के अंदर, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट क्यूटिकल और मल्टी में, ठीक है ना। मल्टी क्या होती है, मल्टी त्वचा का निर्मोचन करना, त्वचा का शेडिंग करना है, त्वचा का निर्मोचन करना क्या होता है, मल्टी कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मार्फोलॉजी ऑफ ग्रास ऑफर,
यानी मार्फोलॉजी और ग्रास ऊपर तो सब जानते हो, तो ग्रास ऊपर की जो मार्फोलॉजी है, बाहरी जो आकृति है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन उसकी बॉडी सेगमेंटेशन यानी इंसेक्ट, मेनली इंसेक्ट थ्री पार्ट, उसका जो इंसेक्ट की बॉडी होती है मेनली थ्री पार्ट में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है? थ्री पार्ट में डिवाइडेड होती है। कितने पार्टों में? थ्री पार्ट में। फर्स्ट है हेड, दूसरा जो उसका सेगमेंटेशन है, सेगमेंट है वो थोरैक्स, और तीसरा उसका सेगमेंट है एब्डोमन। तो इंसेक्ट की जो बॉडी है वो कितने भागों में डिवाइडेड होती है? तीन भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में? तीन भागों में। तो पहले अपने जो है मार्फोलॉजी और ग्रास ऊपर के बारे में देखेंगे कि बाह्य आकृति क्या है, फिर उसका बॉडी सेगमेंटेशन क्या है ना, बॉडी सेगमेंटेशन का स्ट्रक्चर, उसका हेड का स्ट्रक्चर क्या है, हेड के अंदर कौन कौन से क्या क्या जो ऑर्गन्स है या कौन से पार्ट्स होते हैं, वो थोरेक्स एंड एब्डोमन, ठीक है ना। तो इंसेक्ट की जो बॉडी है वो कितने भागों में डिवाइड होती है? तीन भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में डिवाइड होती है इंसेक्ट की बॉडी? तीन भागों में डिवाइड होती है। पहला आपका कौन सा है? पहला आपका हेड है। दूसरा कौन सा आपका? थोरेक्स है। तीसरा कौन सा आपका? एब्डोमन है। तो कई बार क्या है, पूछ लेता है कि आपका इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, तो थ्री पार्ट्स विच इज हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटेनी। हर जो इंसेक्ट है, जैसे कि टर्माइड है, टर्माइड में इंसेक्ट का जो टाइप है वो मोनिफॉर्म होती है, ठीक है ना, मोनिफॉर्म। जैसे कि अपना हैनीबी है ना, तो हैनीबी में जेनिकुलेट टाइप की एंटीनी होती है। तो क्या है इसकी स्ट्रक्चर, क्या होती है मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीनी? हर में अलग अलग, वो इंसेक्ट है तीन भागों में डिवाइडेड होता है। इंसेक्ट एंटीनी है वो कितने भागों में डिवाइड होती है? थ्री, ठीक है ना। उसमें पेडिसल है, फ्लैजेलम है ना, ये बेसल है, ये तीन भागों में इसका है एंड। तो उसके बारे में डीपली क्या है नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि मैं एंटीना की स्ट्रक्चर क्या होती है ना, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एंटीना का, है ना, भाई एंटीना का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, है ना, ठीक है ना, एंटीना का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। तो फिर क्या है एंटीना का स्ट्रक्चर, ये सारी अपना डीपली जैसे जैसे अपना क्लास आएगी वैसे वैसे उनका सॉर्ट आउट करते जाएंगे, हर जो अपना टॉपिक है उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना है स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लेग, यानी कि लेग्स है, लेग्स कौन है? टांग, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है और उसका मॉडिफिकेशन क्या है। ये भी क्या है, जो लेग्स है वो पाँच और सेकंडों में होती है ना, कोक्सा है, ट्रोसेंटर है, फीमर है, टीबिया है, टार्सस है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में देख ले लेंगे, है ना, इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है। कोक्सा है ना, कोक्सा है, ट्रोसेंटर है, फिर फीमर है, टीबिया है, टार्सस है, पेरिटार्सस है ना, इनके बारे में सारे अपन, है ना, डीपली अपना क्लास के अंदर जब लेक्चर आएगा अपना डीपली उसको लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है विंग मेनेशन क्या है, इंसेक्ट के अंदर विंग मेनेशन क्या है, मॉडिफिकेशन एंड कपलिंग एपरेटस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटियल ऑर्गन्स, यानी कि मेल इंसेक्ट के अंदर फीमेल और मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेल जेनेटलिया और फीमेल जेनेटलिया, ठीक है ना। मेल के अंदर जो कितने, उसके बारे में हम देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। सेंसरी ऑर्गन के अंदर सिंपल और कंपाउंड आइज, सिंपल एंड कंपाउंड आइज, ठीक है ना, और केमोरिसेप्टर क्या है। नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस मतलब रूपांतरण, इंसेक्ट का रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस क्या है इंसेक्ट में। टाइप्स लार्वी एंड पीपी, लार्वी किसे बोलते हैं और पीपी, है ना, लार्वल हैचिंग के बाद में जो
लार्वल स्टेज होती है उसको बोलते हैं लार्वी। देन लार्वा से किस में कन्वर्ट होता है वो प्यूपा के अंदर, और प्यूपा से देन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। तो ये क्या है अपन मेटामॉर्फोसिस के अंदर पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जैसे कि कई इन जैसे कि एक ग्रास ऊपर है, अपन ग्रास ऊपर का मेटामॉर्फोसिस देखें, रूपांतरण देखें, तो ग्रास ऊपर पहले एग लेइंग करता है, एग लेइंग से सीधा निप निकलता है, निप से सीधा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो कई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो जिसमें चार स्टेज होती है वो क्या कौन सा कहलाएगा आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और जिसमें थ्री स्टेज होती है वो क्या कहलाएगा आपका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। इसके बारे में डीपली हम लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ना स्ट्रक्चर फंक्शन आनाल, तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी एंड एक्सेट्री सिस्टम, सर्कुलेटरी है ना उसके बारे में, और एक्सेट्री सिस्टम इसके बारे में हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे, अपन स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर क्या है उसका, उसके क्या फंक्शन है किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी, जो भी जैसे कि जो एंडोक्राइन सिस्टम से वो क्या है सिक्रेट करती है, सिक्रेट करती है ना ग्लैंड्स, उस क्या है ग्लैंड से सिक्रेट करती है, उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्लैंड से वो सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, तो कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है ना उसके बारे में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका, एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इंसेक्ट, और कितने टाइप से है, जैसे पार्थोजेनेसिस है ना, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, ये सारे क्या उसके बारे में, उसके कितने टाइप से रिप्रोडक्शन के उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब कुछ पार्ट है टैक्सोनॉमी का, इसके अंदर कुछ पार्ट है, ये तो क्या जनरल है, अब टैक्सोनॉमी तो मॉर्फोलॉजी का पार्ट था, अब टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सोनॉमी क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, टैक्सोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, इंसेक्ट के अंदर इसकी हिस्ट्री क्या है, टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री क्या है, टैक्सोनॉमी की जो भी है उसका डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना, उसका बायनोमियल नॉमिनी कहते हैं, द्विनाम पद्धति, नाम सुना होगा आपने पहले भी द्विनाम पद्धति है ना, डेफिनेशन क्या है टैक्सोनॉमी की, या वो बायोटाइप की डेफिनेशन क्या है, सब स्पीसीज जीन्स एंड फैमिली इन ऑर्डर है ना, इनकी डेफिनेशन क्या है भाई, किसकी है, बायोटाइप है, सब स्पीसीज है, स्पीसीज है ना, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी डेफिनेशन इसकी परिभाषा क्या क्या है, इनके बारे में हम लेंगे। नेक्स्ट है अब ऑर्डर्स हैं, क्या है ऑर्डर्स, ऑर्थोपोडेरा, ऑर्थोपोडेरा के अंदर क्या है, ये फैमिलीज है जो क्या है फसलों को नुकसान पहुँचाती है, कुछ फैमिलीज जैसे एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या हो गया आपका लोकस्ट आ गया, ग्रास ऑपर आ गया, ये क्या है एक्टिविटी फैमिली, ग्राइलिडी है, डिक्टियोप्टेरा है, तो कुछ ऑर्डर्स है वो हार्मफुल है, कुछ ऑर्डर्स क्या है बेनिफिशियल है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, ठीक है ना। जो डिक्टियोप्टेरा है, डिक्टियोप्टेरा में क्या है मेंटिटिडी, मेंटिटिडी फैमिली, जो मेंटिटिडी फैमिली है उसमें प्रेगमेंटिस आता है, तो प्रेगमेंटिस क्या है, ये इस फैमिली में प्रेगमेंटिस है वो प्रीडेटर है, क्या है प्रीडेटर है, जो माइन्यूट जो स्केल इंसेक्ट है उनको क्या फीड करता है, माइन्यूट स्केल इंसेक्ट है जो छोटे जैसे कि व्हाइट फ्लाई जैसे है उनको क्या करता है वो फीड करता है, तो ऐसे प्रीडेटर का कार्य करता है ना। ब्लाइटिडी है, ओडोनेटा है, ऑर्डर है, आइसोपोटेरा है, आइसोपोटेरा टर्मिटिडी, टर्मिटिडी में क्या आता है टर्माइड, दिमक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं दिमक बोलते हैं, टर्माइड आती है। थाइसोपोटेरा इसमें क्या है थ्रिपिटिडी, इसमें क्या आता है थ्रिप्स आता है, जो ओनियन थ्रिप्स है ना बोलते हैं ओनियन थ्रिप्स, इसमें क्या आता है थ्रिप्स आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्डर की, इस ऑर्डर के अंदर जो कॉलियोपोटेरा है, कॉलियोपोटेरा के अंदर कौन कौन सी फैमिलियाँ कवर करता है कॉलियोपोटेरा, कोक्सिनिलिडी है, कोक्सिनिलिडी की बात करता हूँ तो कोक्सिनिलिडी में लेडी ब्रिबिटल आता है, एक लेडी ब्रिबिटल है ना, कोक्सिनेला सेम्पेक्टाटा, उसका क्या है ये भी क्या है प्रीडेटर, क्या है प्रीडेटर फैमिली से,
ठीक है ना, पेनिट्रेटिव फैमिली। तो ये क्या है, क्या है माइन्यूट इंक्शन को फिट करता है। माइन्यूट इंक्शन में कौन सा है, जैसे कि आपका जेसिड हो गया, एफिड हो गया, है ना, वाइट को क्या कहते हैं, फिट करता है ये। गलेरी चिडी चिडी है, सेरम बाइसिडी है, कुर्कुरियोलिडी है ना, ब्रुचिडी है और मेलोनोन चिडी है। ये क्या है, किस, ये किस ऑर्डर के अंदर कवर कर, ये कौन सा ऑर्डर कवर करा है इसको, कोलियोप्टेरा। ये सारे ऑर्डर्स है, किस, ये सारी फैमिली है वो कोलियोप्टेरा के अंडर आती है ना, कोलियोप्टेरा ऑर्डर है उस ऑर्डर के अंडर आती है, ठीक है ना। इनके बारे में डीपली हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाइनोप्टेरा, हाइनोप्टेरा है ना, ये क्या है, ये बेनिफिशियल ऑर्डर है एक हाइनोप्टेरा, ठीक है ना। इसमें है टेंथ्रिटिडी, एपिडिडी, ट्राइको गेमिटिडी और इनुमोनिडी, ब्रेकोनिडी और चार्सिडिडी, ये क्या है फैमिली इसके अंदर आती है, हाइनोप्टेरा ऑर्डर है, दिस फैमिली आज कवर, ठीक है ना। देन डिप्टेरा है, डिप्टेरा में सिसिडो माइसिडी है, ट्राइपेटिडी है ना, ये टेक्निडी है, एग्रो माइजिडी है ना, कुलिशिडी है, मूसिडी है, टेप्सिडी है और नीरोप्टेरा, नीरोप्टेरा में क्राइसोपिडी है, नीरोप्टेरा के अंदर जो क्राइसोपॉड लाता है, ये भी क्या है, प्रीडेटर, क्या है, ये भी प्रीडेटर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या दिए, प्रीडेटर था है ना, वो भी क्या है, माइन्यूट स्केल है, उसको क्या कहता है, फीड करता है, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी अपने सिलेबस की, किसकी, सिलेबस की, ये अपने इस कोर्स के अंदर ये है टॉपिक है। इन इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए हम वैसे तो क्लास लेंगे कंटिन्यू, लेकिन फिर भी मैं आपको बुक्स भी बता देता हूँ भाई, इन टॉपिक्स को कौन 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 सी बुक्स है वो आपको कवर करेगी सारी टॉपिक, ठीक है ना। उन बुक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि आपका न्यू टाइप का जो फर्स्ट ए पार्ट आता है उसमें पूछ लेते हैं भाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बुक राइटर नेम, इसका राइटर कौन है या ऑथर कौन है ना। तो इसको यह हमेशा जो बुक्स है आपको याद रखनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये नहीं आप एग्जाम में आगे भी कम्पिटेटिव एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछते हैं, पूछ लेते हैं कि आपने पीजी पीजी करोगे या अदर कोई भी कम्पिटिशन एग्जाम दोगे, उसके अंदर भी एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो बुक्स के नाम विथ, बुक्स नेम विथ ऑथर, ये आपको नाम याद होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसी जगह आर एफ चैपमैन, आर एफ चैपमैन 1981, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किस नाम से आती है, इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये कई बार पूछा जाता है कि जो इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का राइटर कौन है, तो कौन है, आर एफ चैपमैन है, कौन है, आर एफ चैपमैन, ठीक है ना। ये बहुत ही बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है ये, ठीक है ना। मार्फोलॉजी के लिए, वैसे ओवरऑल एंटोमोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी बुक है ना, आर एफ चैपमैन की, ठीक है ना। अपने कोर्स के हिसाब से देखोगे आप तो कोर्स के हिसाब से मात्र पैदा है ए टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, है ना। ये कौन से, अमन पब्लिकेशन से निकलती है, मेरिट से, ये भी ठीक है। अपने कोर्स के हिसाब से देखा जाए ए टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, इसका कौन है राइटर, कौन है, मातुरन उपाध्याय, ठीक है ना। और अपन बात करें जनरल अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जनरल अप्लाइड एंटोमोलॉजी, तो इसका राइटर कौन है, इसका राइटर है डेविड बीवी एन अनंत कृष्णन टी एन, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, बाकी इसको थोड़ा ध्यान से, इम्पोर्टेंट है ये, पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इसको याद रखना है। और ये भी कई बार जो है प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी, इसको भी ध्यान से पढ़ना है, ये भी कई बार क्या है पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी भाई प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मार्फोलॉजी, इसका राइटर कौन है, तो इसका नाम है स्नोडग्रास, ठीक है ना, इसका राइटर कौन सा है, स्नोडग्रास है। और दो बुक्स और भी है, एक है इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, जो कहाँ से निकलती है, आईसीआर से निकलती है, ठीक है, आईसीआर न्यू दिल्ली से निकलती है, ठीक है।
और एक है रिचर्ड ओ डब्ल्यू एंड डेविस आर जी एम्स। ये कौन से, इसका नाम क्या है, बुक्स का नाम क्या है, एम्स जनरल टेक्स बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, बुक्स हैं। मैंने आपके बारे में बता दिया है सारा सिलेबस भाई अपने ये इस कोर्स के अंदर, ये सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोर्स कोड की बात कर ली, कोर्स टाइटल की बात कर ली, क्रेडिट हॉर की बात कर ली, देन आफ्टर उसके बाद में अपनी बात कर ली, अपने टॉपिक्स की बात कर ली, टॉपिक्स की बात करने के बाद में अपने बात कर ली अपने बुक्स की भाई कौन कौन से अपने बुक्स प्रिफर करें इस सिलेबस के लिए, ठीक है ना। वैसे अपने क्लास तो कंटिन्यू लेंगे लेंगे, नहीं फिर भी मैं कहता हूँ अपने साथ में ये बुक्स परचेज कर ले, या अपने लाइब्रेरी से ले सकता है, लाइब्रेरी में जो भी बुक्स अवेलेबल है इन ऑथर्स की, वो ये दीज आर कवर द सिलेबस, दीज बुक्स आर कवर द सिलेबस। ये सारी बुक्स क्या है, जैसे जैसे मैंने इम्पोर्टेंट बताया है, उन्हें इम्पोर्टेंस को थोड़ा ध्यान से उसको याद रखना कि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे टॉपिक, वन बाई वन टॉपिक लेंगे, और टॉपिक के हिसाब से अपना कोर्स स्टार्ट करें, है ना, ठीक है।